आज हमने जो है ना मुकाब मालूम करना है, किसी भी रकम का मुकाब किस तरह मालूम करते हैं, मुरब्बा आप लोग कर चुके हैं, स्क्वायर रूट इसको हम बोलते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं, और आज जो है वो हमारा मुकाब का है। ठीक है, मुकाब में सबसे पहले हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, दोनों को फार्मूले जो है हम लेते थे पहले कि कोई ए रकम है और बी, ये दो रकमें हमारे पास मौजूद हों, इनका मुकाब कुछ इस तरह से है। मुकाब को हम कहते हैं ताकत तीन, इस तरह मुरब्बा को हम कहते हैं ताकत दो, जो रकम होती है उसकी ताकत दो हो तो हम उसको मुरब्बा बोलते हैं, तीन ताकत हो तो हम उसको बोलते हैं मुकाब। अब फर्ज करते हैं हमारे पास कोई रकम है ए प्लस बी, ऐसी दो ही रकमें हमारे पास होंगी, पहली को ए कह देंगे दूसरी को बी हम कह देंगे। ठीक है, उसका मुकाब लेंगे तो मुकाब के ये दो फार्मूले बेसिक जो हैं वो याद रख लेने हैं। पहले ए आ रहा है तो ए का मुकाब इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यू, प्लस दूसरी रकम बी तो बी का मुकाब, फिर प्लस मुकाब तीन, अगर यहाँ पे याद रखने के लिए तीन लगा देना तीन, फिर इन दोनों को ए बी जरब दे देना है, और फिर यही रकम ए प्लस बी की शक्ल में लिख देना। ठीक है, और सारे रकम में प्लस ही आएगा। अगर हम माइनस की बात करें तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के भी होने हैं ए माइनस बी का मुकाब, तो सेम यही चीज रिपीट होनी है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क आएगा, देख लेते हैं। ए की ताकत तीन माइनस बी की तीन बन जाएगा, ठीक हो गया, माइनस थ्री ए बी वैसे का वैसे ही, और फिर ये वाली रकम जो कि ए माइनस बी है ये आ जाएगी। ये दो फार्मूले सबसे पहले याद कर लें, ए जमा बी का होल क्यूब बराबर है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और इसी तरह ए माइनस बी का क्यूब बराबर है ए की तीन माइनस बी की तीन माइनस तीन ए बी इंटू ए माइनस बी। इन दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलामतों का फर्क है, बाकी सारा जो हमारे पास है सेम है। जिस तरह हमारे पास जो मुरब्बे का फार्मूला था स्क्वायर तो क्या थे ए जमा बी सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा जमा दो ए बी, और जो माइनस का था वो कैसा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है ए की दो प्लस बी की दो माइनस दो ए बी। इसमें सिर्फ यहाँ पे फर्क आया, यहाँ पे इन दोनों फार्मूले में अगर दरमियान में प्लस है तो सारी रकम में प्लस, अगर माइनस है तो सारी रकम में माइनस, और बाकी ए की तीन बी की तीन तीन ए बी ए प्लस बी, नीचे ए की तीन माइनस बी की तीन तीन ए बी टू ए माइनस बी। ठीक हो गया। अच्छा अब हम आगे सवाल कर लेते हैं, पहला सवाल जो दिया हुआ है हमारे पास है एक्स प्लस फोर। ठीक है, एक्स प्लस फोर है, एक्स हमारे पास पहली रकम कह लें या ए कह लें, और फोर को हम कह लें दूसरी रकम या बी, दरमियान में प्लस आ रहा है, फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा ऊपर वाला, तो एक्स की जगह ए और चार की जगह क्या है हमारे पास है बी, बी है यहाँ पे। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक अगर ओपन करना चाहें तो क्या करेंगे, जहाँ ए है इस फार्मूले में वहाँ पे हम एक्स लगा देंगे, और जहाँ बी है वहाँ पे हम चार लगा देंगे, फोर लगा देंगे। तो अप्लाई करके देखते हैं फार्मूला, हमने इसका मुकाब लेना है तो मुकाब लेने के लिए ऊपर ताकत तीन लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स की ताकत तीन यानी कि ए की ताकत तीन आ गई, प्लस दूसरा क्या है बी आ रहा है, बी हमारे पास यहाँ पे क्या है चार है, चार की ताकत तीन। अब आगे क्या आ रहा है जमा, जब हमने लगा देना है जमा, ठीक है, फिर आगे थ्री आ रहा है, थ्री वैसे के वैसे ये हर फर्स्ट सवाल में आएगा, उसके बाद ए, ए की रकम हमारे पास क्या है एक्स है, एक्स लिख देंगे, फिर हमारे पास क्या आ रहा है बी, बी हमारे पास क्या है फोर है, फोर लगा देंगे, और फिर आगे ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस फोर, हम यही सेम एज इट इज लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की ताकत तीन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस फोर का क्यूब लें तो हमारे पास चौंसठ बनता है, चार चार बार सोलह, चार बार
64 प्लस 4 3 12 ये 12 बनेगा, x वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये हमारे पास x प्लस 4 लिख देते हैं इस तरह। अब x की 3 प्लस 64 प्लस ये 12x मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, 12 एक बार 12 और x x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x की ताकत 2 बन जाएगा, एक ये और एक ये, क्योंकि x की ताकत यहाँ पे एक और यहाँ पे एक है तो मल्टीप्लाई में पावर है जो उनसे वो जमा हो जाती है, x की ताकत 2। अब प्लस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा और 12 चार बार 48 बनता है 48 और ये साथ है x ये वाला आ गया। अब तरतीब समझते हैं, पहले x की ताकत 3 जो ज़्यादा पावर वाली हो फिर उसे कम पावर वाली है उसको लिख देते हैं, फिर 8x वाली लिख देते हैं प्लस 64 यही हमारा आंसर है।